पत्थर वाला छोटा है पप्पा। आपके साथ जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, वो बड़ी माशाल्लाह पसंद की है लोगों ने, और आपके लिए फरमाइश भी आई है। क्या आपके लिए फरमाइश आई है कि आप जो है ना वो कढ़ाई बना के सिखाएं। इतनी सी बात? हाँ, कढ़ाई, वो जो आप स्पेशल वाली कढ़ाई नहीं बनाते हैं, बस जब सिखाइएगा वही सिखाइएगा। सब चीज तैयार है, चिकन वगैरह मसाले वगैरह सब तैयार है, तो अभी बनाएंगे। अभी बनाएंगे आप जो डालते हैं, चलो अभी चलो। जो आप डालते हैं चिकन, उसमें टमाटर, जो मसाले और वो जो दम देते हैं आप, हाँ चीजें तो हर चीज, चलो अभी बनाएं। अभी बना चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, बच्चों ने फरमाइश की है चिकन कढ़ाई की, इंशाल्लाह ताला ऐसी चिकन कढ़ाई बना दिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा, मजा ना आए पैसे वापस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा कढ़ाई बनाओ खुले बर्तन में ताकि आराम से घुमाने में आसानी हो। मुझे सिर्फ इजाजत पापा ने दी है कि खड़े होकर छोटी मोटी मैं पापा को हेल्प कर दूं। पापा आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती मैं? नहीं, ज्यादा हेल्प मैं बिल्कुल भी नहीं पापा की कर सकती, और आज मैं वो वाली गलती भी नहीं करूंगी कुछ भी डालने की। तो आप फॉलो करें पापा, बता कैसे रहे। सबसे पहले ऑयल देखें कितना ऑयल डाल रहा हूं। अच्छा, इसमें अभी पापा जो है 2 कप ऑयल डाल रहे हैं। 2 कप ऑयल पापा इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप पापा जो है वो चिकन को, पापा आपने फ्राई करना है ना इसके अंदर। हाँ, तेल गरम हो गया है, चिपके नहीं, ये चिपक गई तो मजा खराब हो जाएगा। हरी मिर्च भी डालनी है, पर जरा ज्यादा सी हरी मिर्च डाल दें, मुझे पसंद है खाना। अच्छा, हरी मिर्च हमेशा ऑयल में डालने से पहले हमेशा इन हरी मिर्चों में, हाँ पेट चीर लो, ये पेट जो है इनका चीर ले, पप्पा की जबान पे पेट चीर ले, लाजमी एक चीरा लगा ले क्योंकि फिर जो है ना वो फुटती नहीं है, वरना आप ऑयल में ऐसी डाल देंगे तो वो डेंजर होता है, वो फुट के आपके ऊपर भी आ सकता है। पापा कब तक इसको हमने फ्राई करना है? जब तक गोल्डन कलर आ जाए। हाँ, गोल्डन कलर थोड़ा सा गोल्ड हो जाए। अच्छा, ये पिसा हुआ धनिया है। हाँ, पिसी हुई मिर्च, ये कुटी हुई मिर्च है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये काली मिर्च है, और ये नमक है। ये नमक है। हाँ, ये सारा मसाला। अच्छा, इस मसालों की, ये पापा का एक खास मसाला होता है जो कढ़ाई के लिए पापा बनाते हैं, इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगी। जितने मसाले इसमें पापा ने मिलाए हुए हैं वो मिला के पापा एक बर्नी में भर लेते हैं, और इसमें कितनी क्वांटिटी पापा डालेंगे वो उसी वक्त आपको बता देंगे। लेकिन ये कि मसाला जो है ना इतना मज़ेदार तैयार होता है, लिटरली ये जिस तरह पापा आपको बता रहे हैं रेसिपी उसी तरीके से फॉलो अप कीजिएगा तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा। मैं इन सब मसालों को मिक्स कर लूँ ना? मिक्स कर लो। थोड़ा सा ऑयल निकाल लो। निकाल लो थोड़ा सा। हाँ, जरूरी है जी, ये तो हमने फ्राई करने के लिए डाला था ना। देन लहसुन टमाटर वगैरह वगैरह मतलब वो सब मैंने तैयार कर दिया जैसे आपने बताया था। मतलब लहसुन डाल दो? डाल दो। कितना? बस एक चम्मच और। एक और 2 चम्मच डाल दो टोटल। बस ऐसे टमाटर भी डालो इसमें। टमाटरों का पेस्ट आपने पापा ही बोला था, देखिए ये मैंने पेस्ट तैयार कर दिया जैसे पापा ने मुझे कहा था। ये मैंने, पापा आपने कहा था 5 टमाटरों का पेस्ट तैयार कर। सही है, बिल्कुल सही है। ये अब इंशाल्लाह ताला ये बनेगी ऐसी जबरदस्त कि इसको खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें आशा, इसमें 4 टेबलस्पून मसाला डाल दो। ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये मैं बिल्कुल 4 डाल दो। 4 टेबलस्पून ताकि ये टमाटर के साथ ऊपर पके। बिल्कुल। इसको ढक दिया था ताकि कुछ इसको जरा वो मिल जाए सेक। अब मैं ढकना उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ। जबरदस्त कलर बन गया पापा।
इट्स यमोलेशियस, सिर्फ इसका जो एरोमा आ रहा है ना, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा, मैंने कहा थोड़ा सा नमक डाल लूं। पापा इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, नान अच्छा लगेगा या पराठे अच्छे लगेंगे, क्या अच्छा लगेगा? लगे तो पराठे भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, नान भी अच्छे लगेंगे। नान ऑर्डर कर दूं? नान ऑर्डर कर दो तो मजा आ जाएगा। तो चले मैं नान ऑर्डर करने वाली हूँ, और जब तक ये रेडी हो गए तो हमारे नान भी जबरदस्त से, क्योंकि मुंह में जो है ना पापा बहुत ज्यादा मेरे पानी आना शुरू हो गया। कलर आया यार, इसकी जो कलर है ना माशाल्लाह जबरदस्त है, मजा आ जाएगा और भी। मजा आ जाए पूरी। पप्पा जैसे खाना बनाते रहते हैं ना, आप नोटिस करें पप्पा भी जो है ना, पप्पा जोश में आते जाते हैं, मजेदार खाना बनता है। पप्पा कहाँ चले गए, तैयार नहीं हुआ अभी तक? अभी उसको ढका है मैंने ताकि थोड़ी सी हीट और मिल जाए। अच्छा, ताकि खाए तो आदमी पता चले कि क्या चीज बनाई है। और पापा अभी जो असल पंच जो है आपकी इस पूरी कढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट पंच है, वो क्या है? जब आप इसमें कोयले का तड़का देंगे। हाँ, तड़का पापा बोलते, लेकिन जैसे कोयले का जो धुआं दिया जाता है तो वो जो है ना वो इसमें तड़का ही होता है वो हाँ तड़का चले पापा जो कह रहे हैं तड़का ही होता है कोयले का, तो वो जो है ना ऐसी जान आ जाती है कि आपकी सोच है। तो पापा भी कितने मिनट और हैं इसको पकने में? बस 5-10 मिनट। बस 5-10 मिनट और, चले मिलते हैं फिर 5-10 मिनट और बाद। लीमू थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून डाल। बस इनफ। बस और पापा अदरक आपने बोला? अदरक थोड़ा सा। वेरी गुड, ये फाइनल टच। अभी पापा वो कोयले का दम, कोयले का दम देते हैं ना अभी। अच्छा, पापा के बताने के हिसाब से मैंने ये कोयला यहाँ पर रख दिया है, अब ये जो है वो जलेगा थोड़ी देर। कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, सिर्फ कोयले का तड़का, मुझ कसूरी मेथी फाइनल टच चाहिए सिर्फ खुशबू के लिए, बस इनफ। साग सिखाऊंगा आपको बनाना, और छोलों की चाट सिखाऊंगा कि छोलों की चाट कैसी होती है, खाएंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए अब जो है वो पापा की लिस्ट आने लगी है, अभी देखें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। कोयले का दम लगेगा, रेडी टू ईट है। बस नाउ इट्स डन। नान हमारे बेहतरीन तरीके से, मैं आपको दिखा दूं, गर्मा गर्म नान जो है वो आ गए हैं, ठीक है। और बस अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ इसे। पप्पा ने कहा कि ये कढ़ाई है तो इसको भी छोटी सी कढ़ाई में डिश आउट करूं। मैंने कहा चलें। वैसे तो आप मसाले बाजार से खरीद के बना सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिक डाला और बन गया, घर के मसालों की बात ही कुछ और है। जो घर के मसालों में पावर है वो बाहर के मसालों में पावर नहीं है, ये नेचुरल है। बना के देखें फिर मजा आए आपको। चखना तो बनता है। आप तो खाए पहले आप लेडीज फर्स्ट। मैं पापा से ही पूछ रही हूँ, मुझे बताना चाहिए, इंतहाई यम। आप लोगों ने पक्का, आप लोगों की फरमाइश पर पापा ने कढ़ाई बनाई है, आप लोगों को सिखाई है, लाजमी ये ढाबा स्टाइल जो पापा की स्टाइल की कढ़ाई है बनाकर ट्राई जरूर कीजिए, मजा ना आए पैसे वापिस। उमर जी बाबा इधर आओ यार। बाबा क्या बनाया आगे देखो।
पत्ता बड़ा निवाला की दे रहे, छोटा है बड़ा बड़ा ही है। और जिम से आए हो इतना बड़ा निवाला खिला रहे हैं आप? आपने बनाई है? हाँ, बताओ कैसी बनाई, क्या है? और जबरदस्त, और मैं तो पिछले टाइम से ऐसी कोई कढ़ाई खाई ही नहीं थी। खाओ। और बहुत जबरदस्त मैंने मिल गया। मजा आया? बहुत जबरदस्त। ये है घर के मसालों की। ये क्या आज की रेसिपी थी? हाँ। घर के मसालों की क्यों कढ़ाई है ये? मैं जिम से आया, मुझे पता ही नहीं था गाइस, ट्रस्ट मी, इतनी मजे की कढ़ाई। हालांकि मेरा चीट डे नहीं है, लेकिन पापा को मना नहीं कर सकता था। बहुत ही बनाई है ये कढ़ाई, जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर जरूर। तो आज मैं चीट मील कर ही लेता हूँ। पापा देखें, आपने मेरा चीट मील करवा दिया। चल ना यार, बहुत ज़्यादा।